हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों आ चुके हैं हम, देखिए बासपुर आप देख रहे हैं पीछे हमारे, ये है यहाँ का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गुरुद्वारा। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर भगत सिंह चौक पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा बनी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज ये देख कुछ कर रहे हम यार, माइक चालू है, चालू है, मेरे ये देख लगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RKZ व्लॉग्स। हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKZ व्लॉग्स पर। देखिए आप देख रहे हैं, अभी है रात का टाइम, लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है। पीछे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हम तीन लोग अभी देखिए यहाँ पर हाईवे पर हैं। कौन सा हाईवे है कासिम भाई? ये हरिद्वार देहरादून हाईवे है। तो ये देखिए हरिद्वार देहरादून वाले हाईवे पर हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आज जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ का हम व्लॉग बनाने वाले हैं, वो है बासपुर। तो वहाँ पे देखिए रागिब भाई ने बताया काफी अच्छी मार्केट है, तो अभी हमें शायद हो सकता है अगर वहाँ पर हमें पसंद आए तो विंटर के लिए हम 2-4 कपड़े भी खरीद सकते हैं। और वहाँ पे अभी हम डिनर वगैरह करेंगे, वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कराएंगे आपको, कैसा रात का वहाँ का व्यू रहता है और कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है, सब कुछ आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। इसलिए आप हमारे व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और आप अगर हमारे व्लॉग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, व्लॉग में बने रहिए, है, मिलते हैं आपसे। तो गाइज, रागी भाई ने जो है गाड़ी स्टार्ट कर दी है और अब हम निकल चुके हैं बासपुर के लिए। तो रागी भाई कैसा लग रहा है आपको कार चला के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिया भाई बैठे हैं हमारी बैक सीट पर, बेचारे झांक झांक के देख रहे हैं, पता नहीं कैसे जा रहे हैं रागी भाई। भैया उज़बिल्ला बिस्मिल्लाह याद आने लगती है जब ये 110 के ऊपर जाती गाड़ी। नहीं, हम इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, अपने नॉर्मल ही चलाते हैं। 20-30 की स्पीड, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बाकी हम आपको दिखाते हैं बासपुर की मार्केट और वहाँ से भी हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। आखिरकार रागी भाई ने जो है हमें बासपुर पहुंचा ही दिया है, बड़ी मेहनत करी है इन्होंने, कुछ स्पीड पे गाड़ी चलाई है। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम, देखिए बासपुर आप देख रहे हैं पीछे हमारे, ये है यहाँ का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध गुरुद्वारा। तो अपने ब्लॉग को हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखाएंगे, नाइट व्यू यहाँ की मार्केट का दिखाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। गाइज यहाँ पर जो है कानपुर सेल धमाका लग रहा है, छांटो माल 400 रुपये 200 रुपये, क्योंकि कानपुर के जो चमड़ा होता है वहाँ के शूज जो होते हैं काफी फेमस होते हैं, इस वजह से यहाँ पर कानपुर के नाम से सेल लग रही है, मतलब पूरी सर्दी हो यहाँ पर सेल रहेगी ये। तो ये आ चुके हैं हम नानक स्वीट्स हाउस में, तो ये भी काफी फेमस है बाजपुर में। तो यहाँ पर जो है समोसे, बर्गर और ब्रेड वगैरह और मिठाई वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है। तो आप कभी अगर बासपुर आते हैं तो यहाँ की जो है मिठाइयाँ जरूर चेक कर लें एक बार। यहाँ पे जो है किचन किचन वगैरह के लिए किचन से रिलेटेड सारे ही बर्तन मिलते हैं। और आप देख रहे हैं हम काफ़ी दूर से दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छी रोशनी हो रही है और काफ़ी अच्छा सामान रखा है अंदर, राजन कलेक्शन। तो गाइज जो है जिया भाई का बहुत मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का और रागी भाई ने जो है शर्त भी लगा ली है क्या भाई, कौन 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 सब कौन पहले खा लेगा, दस गोलगप्पे कौन पहले खा लेगा, राजीव भाई ऐसे काम काम, जो हारेगा वो पैसे देगा। ठीक है ठीक है, जो हारेगा वो नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, जो हारेगा वो पैसे देगा। मैं तो कह रहा हूँ 20-20 लगवा लो, लेकिन ऑर्डर दे दिया, 10-10 ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे चुके हैं हम। और ये अभी हम हमारी प्लेट है जो तैयार कर रहे हैं, हम तो कम खाते हैं। नहीं, अगर मिर्चा अलग से भी हो तो वो भी डाल देना इसमें भैया, तो सुबह आज लेगा पता किसमें है कितना दम। दम रागी भाई की नाक है बंद।
बिल्कुल खुली हुई है। नहीं नहीं खुली हुई नहीं है, दवाई खा के आए आज। ये आ गई, ये हमारी आ गई रागी भाई की, तैयार हो रही है। देख हुआ पहले चटनी डालेंगे। हाँ रागी भाई की में चटनी डालियो भर के, बेईमानी हो जाए यार। भैया वो डालियो क्या चटनी, चटनी डालो भैया। क्यों अरे वो डालो, ये सब के में डाल देना। हां वो डालो, वो डालो, वो डालो। बस बस यार के कितनी मिर्चा खिलवा रहे हैं यार ये। अरे लाल तो डाली भी नहीं है। हां भैया डाल दो, डाल दो, आज धुआं निकलने वाला है। कुछ तो दया करो भैया, इतनी मिर्चा क्यों डाली तुमने। आ जाओ बस, ले लो ले लो, आ जाओ इधर। वो लो भैया हो गई तीनों की प्लेट तैयार। ये हमारी हो गई तीनों की प्लेट तैयार। हां तो हां भाई रागी भाई कैसा लग रहा, कैसा महसूस हो रहा है? तीनों की प्लेट आ गई हमारी, एकदम अच्छा। बस जो हारेगा वही पैसे देगा, ठीक है? हां और जो जीतेगा वो डबल देगा। वो भैया तीन पैसे होगा, तीन पे। हां रुको, पहले हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। 1 2 3 जनता देख रही है हमें। शायद किसी भी चीज़ में मुझे हारना तो पसंद नहीं आएगी बिल्कुल भी। मेरा हो गया काम, इनके तीन बच्चे हैं अभी, इनका एक बचा है, इनका पानी बचा है। हाँ तो कासिम भाई, हारने के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही, थोड़ा बताइए। अब पैसे दे दिए मेरे पूरे। नहीं भाई बंदा लगवा दिया तुमने, वो तो हमारा पहले ही वो हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, तो जो हारेगा पैसे आज बिल वही पे करेगा। हाँ डील थी बहुत तगड़ी। हाँ डील छोड़िए गाइस, हारने की वजह किसी नहीं है ये, पहले इन्होंने आपसे दांत दिखा दिया, उसकी वजह से हम आदि आ गए, ये चल रहे हम रुक गए। वो मैंने पहले बताया था आप लोगों को मेरे पास ट्रिक है। देखिए यहाँ पे मार्केट में देखिए काफ़ी शानदार नज़ारा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलो इधर भी कर लो एक चैलेंज, हंगरी पॉइंट भी है। हाँ देखिए इधर हंगरी पॉइंट वगैरह, चलो एक चैलेंज और कर लो यहाँ पे। है भाई आप ना करें चैलेंज, हाँ जियो ना ना नहीं करोगे आप? नहीं क्योंकि गाइज आप देख पा रहे हैं काफ़ी चहल पहल है यहाँ की मार्केट में, शाम रात का नज़ारा आप देख रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। हाँ तो कासिम भाई यार हमें दो चार शर्ट टी शर्ट खरीदनी है, बताओ कोई अच्छी सी। देखते हैं पहले, थोड़ा देख लेते हैं मार्केट में, फिर थोड़ी कोई अच्छी। चिराग चंदोसी, चिराग चंदोसी गजक भंडार। अरे यार ये हमारे अलावा कोई जीत सकता है यार? हार गए यार। हाँ भाई देखिए देखिए गाइज हमारे छोटे भाई मिले हैं यहाँ पर अभी रास्ते में, तो ये हमसे मालूम कर रहे हैं कि गोलगप्पे वाले चैलेंज में कौन जीता। हाँ भैया तुम्हारा नाम क्या है? करण। देखिए हमारे करण भाई मिले हैं हमें, तो करण भाई आर के जेड ब्लॉग्स अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करना, यूट्यूब निकाल कर आपको ब्लॉग यहाँ का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? आर के जेड ब्लॉग्स जेड ब्लॉग। तो देखिए दोस्तों अभी हम आ गए हैं यहाँ पर भगत सिंह चौक पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा बनी हुई है, और देखिए यहाँ पर जो लाइटिंग है तिरंगे की काफ़ी शानदार लग रही है रात के समय में। चलिए और आगे मार्केट की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, क्या क्या है यहाँ पर। देखिए गाइस जसपुर की कचरी यहाँ भी आ चुकी है, बाजपुर में भी बिक रही है कचरी, हमने जो है काशीपुर भी और क्या कहते हैं जसपुर भी हमने खाई थी, और यहाँ भी कचरी बिक रही है। देखिए दोस्तों अभी हैं हम यहाँ पर फाटक वाले रोड पर, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग जो है देख रहे हैं आप। यहाँ पर जब भी हम आए, मेरा सेकंड टाइम है यहाँ का, लेकिन यहाँ पर इसी तरह का जाम मिलता है, आप देख रहे हैं पीछे से काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए वाहनों की बहुत दूर तक जाम लग रहा है, पिछली बार भी शायद हम 45 या 50 मिनट में यहाँ से जाम में से निकले थे, तो अभी भी हम यहाँ पर जाम में फंस जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी भी यहीं पर पार्क हुई हुई है। तो देखते हैं, देखिए वैसे रेलगाड़ी तो गुजर चुकी है, कितनी देर में यहाँ का जाम खुलता है, उसके बाद हम यहाँ से घर की तरफ निकलेंगे। देखिए दोस्तों ये है हमें मार्केट में पड़ता है परफेक्ट पिज़्ज़ा प्लस बेकर्स,
तो इसमें कई वैरायटी के पिज्ज़े यहाँ पर मिलेंगे। और नीचे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव फास्ट फूड, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में। चलिए हम आगे की तरफ लेके चलते हैं यहाँ पर। फाइनली गाइस, जिस शॉप की हम तलाश में थे काफ़ी देर से, क्योंकि हम एक बार बासपुर रोड से गुजरे थे तो हमने ये शॉप देखी थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छी शर्ट टी शर्ट जैकेट वगैरह टंग रही थी। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं देखिए सरदार जी कलेक्शन पर, तो इसके अंदर अभी हम एंट्री करेंगे और यहाँ से हो सकता है देखिए कोई चीज़ पसंद आए तो गर्म शर्ट टी शर्ट टाइप की अभी हम खरीदेंगे, अगर मिलती है तो यहाँ पर हमें जो पसंद आएगी तो यहाँ से खरीदेंगे। चलिए हम अंदर एंट्री करते हैं और आपसे मिलते हैं। बने रहे हैं। तो गाइज़, हमने जो है शॉपिंग कर ली है सरदार जी कलेक्शन पर से, तो हमने तीनों जनों ने अपनी अपनी टी शर्ट ले ली है। चैनल का नाम क्या है? तो ब्लॉग। तो देखिए भैया ये हमें मिले हैं, भाई नाम बताओ अपना यार। नाम क्या आपका भाई? मोइन खान। देखिए हमारे मोइन खान भाई हमें मिले हैं, देखिए बासपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने हमसे चैनल का नाम पूछा भाई, RKZ ब्लॉग्स पाएगी परसों वीडियो। तो फाइनली हमारा जाम भी खुल चुका है और हमने अपने ब्लॉग को यहीं पर कम्प्लीट कर रहे हैं। शर्ट टी शर्ट हमने खरीद लिए तीनों लोगों ने। देखिए रेट ज़्यादा महंगा भी नहीं कह सकते, सस्ता भी नहीं कह सकते, बाकी कपड़े की क्वालिटी कैसी होगी वो घर जाकर पहनकर हम तो बताएंगे कि यहाँ का रेट महंगा था या नहीं था। बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो और हमारी वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।